हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संपत कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक इंटर फेल व्यक्ति भी ग्रेजुएशन कैसे कर सकता है और भी अदर कोर्स कैसे कर सकता है, वो भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। और आपको कोई भी जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कोई भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप चाहे वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का, कोई भी जॉब के लिए आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। और मैं ये बिल्कुल लैब प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, बनता है वीडियो को एक लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो के साथ आप लोगों को भी जाता ही रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे। ठीक है, ये होम पेज है। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको घर से भी कोई भी डिग्री लेने के लिए फैसिलिटी देता है, यानी कि इसमें आपको क्लास करने का अनिवार्यता नहीं है। तो आपको ब्राउज़र में टैप करना है ये ignu.ac.in, तो आपको ये पेज खुल जाएगा। पहले मैं आपको लैब प्रूफ ही दिखा देता हूँ, आपको इससे मजाक लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको चलना है इसके बाद अबाउट इग्नू पे। ठीक है, अबाउट इग्नू पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपको करना है अबाउट इग्नू के बाद स्कूल ऑफ स्टडी, इस पर आपको करना है क्लिक। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन अपना मोबाइल से भी आवेदन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है नीचे। आप यहाँ देखते होंगे स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, आपको करना है इस पर क्लिक। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, होम और ऑफिशियल पेज है। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम दिखता होगा, आपको प्रोग्राम पे करना है क्लिक। प्रोग्राम पे क्लिक करते ही आपको स्क्रॉल डाउन करके आना नीचे। यहाँ देख लीजिए बहुत सा कोर्स करा रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये डॉक्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, मैं आपको ग्रेजुएशन का बात किया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो इस पर क्लिक करते ही देखिए इसको करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बी ए करने के लिए, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स देख रहे हैं, ये करने के लिए आपके पास देखिए यहाँ पे 10+2 होना चाहिए या इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि 10+2 के बराबर अन्य कोई योग्यता होना चाहिए। और मैं यहाँ दिया हुआ है बीपी, तो मुख्य रूप से मैं आपको बीपीपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बीपीपी एक ऐसा कोर्स है जो आप मैट्रिक और इंटर नहीं किए हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये कोई भी जॉब में वैलिड होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और कुछ थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूँ। ये तो आप बीए देख लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ एक बार बैक। बैक आने के बाद देखिए ये सर्टिफिकेट कोर्स है, एक सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो देख लीजिए सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे खुल चुका है, ये करने के लिए है सर्टिफिकेट इन डिजिटल मैनेजमेंट है। ये करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए देख लीजिए, 10+2 होना चाहिए या इसके बराबर कोई अन्य योग्यता होना चाहिए या जो है आप बीपीपी इग्नू से किए होने चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि मैट्रिक इंटर फेल भी आप बीए में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ एक बार बैक, आपको भी आ जाना है एक बार बैक। आपको फिर चलना है स्कूल ऑफ सोशल साइंस पे, मैं उसके बाद आपको चलना है फिर प्रोग्राम पे। प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको आना है नीचे जहाँ पे इससे पहले पहुँचे थे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बैक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीपीपी जो है, यहाँ पे देखिए बीपीपी जो लिखा हुआ है बैचलर प्रॉपर्टी प्रोग्राम। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये खुल चुका है। अब देखिए बीपीपी करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। बीपीपी करने के लिए यहाँ देखिए योग्यता में क्या दिया हुआ है, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, यानी कोई योग्यता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है ये बीपीपी में एडमिशन ले लीजिए। और ये देख लीजिए यहाँ पे मात्र 6 महीना का कोर्स है। ठीक है, और मात्र जो है फी 1000 ही लग रहा है। आपका एज इसमें मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए। यदि आपका एज 18 साल हो गया है तो आप इग्नू से बीपीपी करके आप ग्रेजुएशन में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। यदि इसका थोड़ा सा डिटेल में चलें तो आपको यहाँ कोर्स पे करना है क्लिक। तो कोर्स पे क्लिक करते ही देख लीजिए ये 3 सब्जेक्ट ओनली आपको पढ़ना है और ये 6 महीना में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो 6 महीना दिया हुआ है, 6 मंथ, और नीचे में ये 2 ईयर्स क्यों दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं बीपीपी कोर्स में, कोई कारणवश यदि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो मैक्सिमम
आपको 2 ईयर्स में ये कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। यदि आप 2 ईयर्स में कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही है, मैक्सिमम ड्यूरेशन में आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और 1000 रुपीज़ ही लग रहा है, ये बहुत अच्छा है, आप ये इग्नू से कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो कि ये फेक है या जो भी, तो आप जो है यहाँ पे चलेंगे, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, आप कॉन्टैक्ट अस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए स्कूल ऑफ सोशल साइंस इग्नू मैदान गढ़ी है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। आप इस पर फ़ोन करके भी सर्टिस्फाई हो सकते हैं या ईमेल आईडी पे भी आप मेल करके समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझ चुका हूँ और मैं ये जानकारी मुख्य रूप से ले लिया हूँ, ये कोई फेक नहीं है। आपको यदि नहीं लग रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस पर फ़ोन करके फ्रेंड्स ज़रूर जो है पता कर लें। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर भी दिया हूँ, आप हमसे बात भी कर सकते हैं और हम मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल संपर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसा ही वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आता ही रहता हूँ। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है अपलोड किया हुआ हूँ, जो आपके बहुत ही काम का वीडियो हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।